टू आवर चैनल। तो आज हम सुबह सुबह फिर से घूमने निकल गए हैं। बहुत बारिश पड़ रही है कल रात से ही, और हम आज जा रहे हैं सबसे पहले तो मेहंदीपुर बालाजी, फिर उसके बाद भानगढ़ फोर्ट और आसपास की जगह है जो मतलब मुझे क्यों देख रहे हो, आसपास है वहाँ देखेंगे चल के। अभी तो मेन तो मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। हाँ, और पूरे फैमिली पीछे है। सॉरी तो जो कि छुप गए हैं। चलिए बता दें हम क्या क्या करते हैं। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके निकले हैं। कितने बजे उठे थे हम पता है? 3 बजे। 2 बजे उठा हूँ मैं, उठा हूँ 3 बजे, तुम उठी हो। आपको रास्ते में दिखाता है बारिश देखो जो भी सी रहेंगे। पूरी रात बारिश पड़ी है, पूरी रात सड़कों पे पानी भर रहा है बल्कि। पर हम फिर भी इतने डीट हैं कि जाकर ही मानेंगे जब प्लान बन गया। ओहो अब हम आगे चल के रुक गए हैं हाईवे पे। देखो वहां पर जा रहा है हाईवे, मतलब यहाँ जो एक्सप्रेसवेज पे वैसे स्टॉप बना रखे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, किसी को मतलब वॉशरूम वगैरह यूज करना है। उधर की साइड डोमिनोज भी है, मतलब दिखा छोटा सा है वो, टेक अवे वाली वैन है, देखो श्रुति वैन है वो। हाँ यू आर राइट। हाँ, और इधर देखो मनाली के पहाड़ मनाली के पहाड़ दिखाइए ना। दिखा रहे हैं हम, सब दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल वही ऊपर धुंध आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम भी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब घूमने लायक है, काफी मस्त सही निकल गए हम। और बारिश भी पड़ रही है, रास्ते में अकड़ भी रहे हैं। मैं नहीं अकड़ी ऐसे। हाँ बैठे हो ना आराम से। क्यों आप हम दो मतलब मैं चला तो रहा हूँ ना, 2 घंटे कुछ मिनट हुई है अभी, मतलब 2.5 घंटा मान लो मैक्स टू मैक्स है ना, 2.5 घंटा हो गया। हाँ, बट एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। मतलब अभी तक का जितने पे हमने चले हैं मतलब सबसे अच्छा है। मतलब गाड़ी 120 पहुंच रही है, 130 पहुंच रही है, पता नहीं चल रहा है स्पीड का, फिर देख के पता करना पड़ता है। और व्यू इतना अच्छा, मुझे तो ये पहाड़ ये बादल मतलब। और वहाँ फोटो शूट चल रहा है, ये देखिए फोटो शूट मनाली के पहाड़ों में हमारे घर वाले फोटो शूट कराते हुए। हाँ अच्छा है, मतलब मजा आ रहा है इस ट्रिप में। अभी तो स्टार्ट ही हुई है। हाँ पहुँच कर दिखाएंगे फिर और क्या क्या। अब तो स्टॉप नहीं लेंगे जहाँ तक है, 120 किलोमीटर ही बचा होगा हमारे घर से। टोटल 280 या 290 करीब है अब, मैक्स टू मैक्स 120 भी नहीं बचा, मतलब 120 ही बचा होगा। हाँ तो बस पहुंच जाएंगे अब, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा 40 किलोमीटर बाद, उसके बाद उतरना ही है हमें, उसके बाद से वैसा। बस करो अपने ज्ञान को, बस निशान तो अपने ऊपर का दिखा रहे हो में रखो आसमान ऐसे क्यों। तो गाइस एक वो स्टॉप लिया है हमने, यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक समोसे और बकवास थे यहाँ पे। पर अभी ना ये बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं जो भी बन रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब
बता देते हैं कि आएगा आएगा पर आएगा है नहीं। यहाँ पे कुछ ही बस समोसा है और क्या, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक के साथ खा लो। और यहाँ पे ईवी चार्जर है एक ही, ये अच्छा बन जाएगा बट टाइम लगेगा। हाँ अभी ये यहाँ पे इतने लोग आते जाते भी नहीं है ना, अभी ये इतना पूरा चला भी। और उधर पेट्रोल पंप है बस यही है यहाँ पे। चलिए अब मंदिर पहुँच के दिखाते हैं। बालाजी महाराज के मंदिर में पहुंच गए हैं। अभी मैक्स टू मैक्स यहाँ से तीन से कितना वो है, 300-400 मीटर है बस। पार्किंग में गाड़ी लगा दिया, उससे आगे गाड़ी जाने ही नहीं दे रहे, पुलिस वाले रोक रहे हैं और कुछ ऐसा, मतलब भीड़ बहुत है। कितनी दूर था ना, कम से कम 1.5 किलोमीटर से ही वो शुरू हो गई थी। भीड़ नहीं होगी, हाँ 1.5 किलोमीटर से बसों की लाइन शुरू हो गई। अपने फैमिली जा रही है अभी आगे, चलो दिखाते हैं। वैसे कैमरा वगैरह अलाउड होगा नहीं, कैमरा तो अलाउड होगा नहीं, हम लोग उतना दिखा देंगे। चलिए गाइस ये लाइन लग रही है, ये हमारी श्रुति खड़ी है। लंबी है लाइन तो यार काफी, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। जैसे पहले हम वहीं से जहाँ से निकलते हैं उधर से एंट्री कर देते थे मंदिर में, अब पता नहीं बहुत घूम के आना पड़ता है फिर जाके लाइन है, फिर एंट्री होगी। लाइन चल तो दी है, अब देखते हैं हमारा नंबर आएगा या नहीं इस स्लॉट में। इसमें तो नहीं आएगा, अगले में ही आएगा। आ जाएगा फिर नहीं, लंबी है लाइन, बहुत लंबी लाइन है, क्या पता अभी जाए। देखिए लोग भागा दौड़ी मचाने तो लगे हैं, भागे तो बहुत तेज पर नंबर नहीं आ पाया। दूसरे वाले में आएगा, मोटापा लड़ूंगा ना। हम से आगे भी बहुत लोग रुक गए थे। जय श्री राम, श्री राम। गाइस अंदर घुसने के बाद कूलर एसी सब है, यहाँ पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो बहुत लंबी लाइन तो बहुत लंबी है, भीड़ तो संडे भी है ना, सारा प्रसाद वगैरह लोगों ने यहीं रख रखा है। बोलते हैं यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाते हैं, पर लोगों ने तो बाहर ही रख रखा है, मतलब अंदर चढ़ाए भी नहीं, अभी अंदर भी नहीं गए हैं हम। तेरा बाबा का द्वार, जय हो बाबा। मंदिर और या प्रेतराज महाराज का दर्शन अच्छे से हो गए। हाँ थोड़ी भीड़ थी बट अच्छे से हो गए, थोड़ी नहीं बहुत भीड़ थी, मिस गाइड नहीं करना। हाँ तो अब हम भानगढ़ फोर्ट जा रहे हैं जो कि यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, और रास्ते में कहीं खाने रुकेंगे कोई जगह अच्छी लगे तो, भूख तो लग रही है।